नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सीएम सिटी करनाल से खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां खाकी वर्दी वाले आम जन को लूटने का काम कर रहे हैं। करनाल पुलिस ने अपने ही महकमे के 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के लोटस ग्रुप के कर्मचारी को डरा धमका कर 15 लाख रुपए लेने पर रामनगर थाने के ESC छोटे मुंशी और सिविल लाइन थाने के सिक्योरिटी एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाने में पुलिस ने भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मियों को दिल्ली के एक कर्मचारी की गाड़ी से 24 लाख रुपए मिले थे। इसी कारण दोनों आरोपी पुलिस कर्मचारियों ने उसे मामला दर्ज करने की धमकी देकर डराया धमकाया। इसके बाद सिविल लाइन थाने के बाहर 15 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कर्मचारी ने बताया कि करनाल में नए बस स्टैंड के समीप पुलिस वर्दी और बिना पुलिस वर्दी के 2 व्यक्तियों ने उसकी गाड़ी रुकवाई। चेकिंग के दौरान उसकी कार में बैग में 24 लाख रुपए मिले। उनमें से एक पुलिस कर्मचारी ने अपना नाम जोगिंदर बताया तथा कहा कि वह सिविल लाइन थाने में ऐसे तैनात है। दूसरे ने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि वह रामनगर थाने में छोटा मुंशी है। वह भी गाड़ी में बैठ गए और डराने धमकाने लगे और कहने लगे कि आपके खिलाफ मामला दर्ज कर देंगे। वह उसे सिविल थाने के सामने लेकर आए और उस कर्मचारी से डरा धमका कर 15 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने उसका मोबाइल भी छीन लिया, बाद में वापस कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में शुरू कर दी है। देखिए DSP वीरेंद्र सैनी ने इस मामले को लेकर क्या कहा। सर, ये क्या मामला है जो 2 पुलिस कर्मचारी 15 लाख रुपए लेते पकड़े गए? हमारे पास ये कंप्लेंट आई थी, अतुल शर्मा जी हैं, लोटस कंपनी की तरफ से। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, तो इन्होंने कंप्लेंट दी कि इनका स्टाफ 11 तारीख की शाम को कलेक्शन करके और यमुनानगर से आ रहा था और वो दिल्ली जाने लगे, तो 2 पुलिस मुलाजिमों ने उन्हें रोका और उनको डरा धमका कर उसे 15 लाख मिले। जैसे ये मामला संज्ञान में आया, उन्होंने कंप्लेंट दी कि कंप्लेंट में मुकदमा दर्ज करके हमने जो हमारे कर्मचारी थे उनसे पूछताछ की। पूछताछ में ये बात कबूल हो गई कि हमने पैसे लिए थे, लेकिन डर के मारे जब बात हुई तो पैसे वापस कर दिए, लेकिन हमने उनको करप्शन एक्ट एक्सटोर्शन में अरेस्ट किया है। आज कोर्ट में पेश करके उनका 3 दिन का रिमांड लिया जाए। हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल कोर्ट से 3 दिन का रिमांड दिया जाए। अब क्या कहना, किस बारे में धमकाया गया था उनको? ये कह के धमकाया गया कि पैसा हवाला का है। और वो किस चीज़ पे था? वो गाड़ी के अंदर तो अपने 2 मुलाजिम थे सर, ये किस चीज़ पे थे? चेकिंग पे थे? कैसे थे? ये कहीं भी चेकिंग पे नहीं थे। एक तो थाना सिविल लाइन का SA था, दूसरा रामनगर थाने का मुंशी था, छोटा मुंशी जोगिंदर और विक्रम। ये करनाल में कब से आए हैं सर 2 मुलाजिम? ये थोड़े टाइम से ही करनाल कैसे से आए सर? ये बेसिकली कमांडो से हैं, थोड़े समय पहले ही आए। सर ये किस समय की बात है, दिन की बात? ये 11 तारीख के दिन की बात है। हमें कोई सूचना मिली थी क्या सर इस तरह से गाड़ी है? रूटीन चेकिंग करे थे क्या थे? वो अभी हम इनका रिमांड ले रहे हैं, क्योंकि हमने इनसे जो इन्होंने वारदात में बाइक प्रयोग की वो कब्जे में लेनी है, प्लस इनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में लेनी है। इनसे बातचीत हुई क्योंकि वहीं से सारी चेन जुड़ेगी कि किसने इनको इन्फॉर्मेशन दी, ये मोबाइल्स कहाँ कहाँ से थे, किस किस सिम की बातचीत हो रही थी, वो सारी चीज़ हम फाइल पर लेंगे। मंशा क्या मंशा रही होगी सर इनकी? मंशा बिल्कुल काम करने की मंशा थी, करप्शन करने की थी, और जब शिकायत हुई इनको पता लगे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो इन्होंने पैसे वापस किए, जो अभी तक हमारी जांच से पाए। इससे पहले भी सर इनके पास कोई हुआ है किसी तरह का करप्शन है या नहीं? अभी तक इन्फॉर्मेशन निकाले, अभी तक इनके अलावा और कोई नया एलिगेशन सामने नहीं। जब इनका कंप्रोमाइज हो गया था तो मुकदमा किस बेस पे दर्ज किया गया? अब ये कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं पता। हमारे पास तो पार्टी ने कंप्लेंट दी है जिनके पैसे को छीना गया था, उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी उसके आधार पर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बकायदा कंप्लेंट दी कि ऐसे ऐसे हमारे मुलाजिम थे, वो कलेक्शन हुई थी जो हमारी साइड से, वहाँ पैसे इकट्ठा करके यमुनानगर से आ रहे थे और दिल्ली जाने लगे, तो बल्ली बाईपास में 2 पुलिस मुलाजिमों ने नाका लगा कर रोका और उनको बंधक बना के लेके आए और उनसे ज़बरदस्ती उसको कहा जो कलेक्शन का पैसा था उनको डराया धमकाया गया कि ये पैसा हवाला का है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पैसे की रिकवरी नहीं दिखाई जाएगी? पैसा ऑलरेडी वो दे चुके हैं। कहाँ कहाँ लिए उन्होंने पैसे? पैसे उन्होंने जो अब तक बताया कि उनके द्वारा खाने के बाद सिविल लाइन खाने के बाद पैसे लिए।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।